खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो भाइयों, कैसे हो? तो आ गए हम फिर से एक और पबजी द मोबाइल, नहीं सीओडी द मोबाइल का गेम प्ले लेकर, क्योंकि मेरे मोबाइल में पबजी द मोबाइल नहीं चल रहा। पता नहीं मेरे को उससे क्या दिक्कत है या फिर उसको मेरे से क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं चल रहा। और हम खेल रहे हैं इन्फेक्शन मोड इन सीओडी, और मेरे को ही इन्फेक्ट किया पहले, और मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तो पहले बंदे को मैं इन्फेक्ट कर चुका हूँ, 9 बंदे लाइव है मेरे को छोड़ के, और देखते रहो किसको किसको मारते हैं। और इधर भी पबजी का कैंपर दिखेगा, 3, 2, 1 गो। ये देखो, ये देखो पबजी का कैंपर बैठा है, इधर ही बैठे रहो भाई, जिंदगी बसा लो इधर। और इन भाई साहब को क्या तकलीफ है भाई, ये क्या कर रहा था इधर, टहलने आए थे क्या बे? और यहाँ पे मेरे को देखना, नशे करके खेलना इसे कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मैं कान से देख रहा था, आँख से नहीं। आँख से देखता तो शायद सही से दिखाई पड़ता, लेकिन कान से देख रहा था। और उस बंदे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरे कान से देखने का कारण यही था। तो इसको तो पहले मारूंगा, और ये गया। और ये बंदा पता नहीं अपने आप को 30 मार खां समझ रहा था, तो दूसरी साइड बैठ के AKM मार रहा था, और इधर मैं भी मर गया, क्योंकि ये हमारा पबजी का जो कैंपर है, ये तो अपना जगह छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि ये पबजी का कैंपर है, और पबजी के कैंपर कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते। COD हो या फिर वो क्लैश ऑफ क्लैंस हो, ये अपनी जगह बैठे ही रहेंगे, कभी अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं है। और इस बंदे को देखो, ये मेरे को कम से कम 3 बार मार चुका है, और इस टाइम पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं गुस्से को कंट्रोल करके अपने दिमाग से सोचा, और दिमाग से सोचने के बाद मेरे को लगा कि मैं दूसरे बंदों को मार सकता हूँ। और फिर से यहाँ पे मैं अपने कानों से देख रहा था और आँखों से सुन रहा था, इसीलिए फिर से मर गया। और जो मैं दिमाग की बात कर रहा था, वो दिमाग मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैं अभी घुटने से सोचने की कोशिश कर रहा था, और मेरे को आते ही यहाँ पे एक लैंडमाइन दिखता है, और मैं अपने कदम सही समय पे पीछे हटा लेता हूँ। और ये जो बंदा आपने अभी अभी देखा है, वो अभी मरने वाला है कुछ देर में, और ये देखो बूम। और मैं इसको एक्स फेंक के मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि रेलिंग से लग के पीछे हो गया, और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मैं जान चुका था यहाँ पे कि मेरा मरने का टाइम आ गया है, इसीलिए मैं इधर ही खड़ा रह गया। और अभी मेरे को फिर से गुस्सा आया, और इस बार मैं बोला मैं गुस्से से काम लेता हूँ, और जाके सीधा इस बंदे का गर्दन उड़ा दिया। और इसी गुस्से को कंटिन्यू करते हुए मैं सीधे भागते हुए गया उसी बंदे पे, जो बंदा मेरे को 3-3 बार इधर ही बैठ के मार चुका था, और पता नहीं ये कई अरसों से इधर ही बैठा था। तो मैं सोचा कि अगर मैं दूसरी साइड से जाऊं तो ये मेरे को देख नहीं सकता, और पीछे से इसको मैं अच्छे से मार सकता हूं, जैसे ये मेरे को पीछे से मारता है। लेकिन यहां पे देखो ग्लिच, ये इधर से गायब हो गया। लेकिन अगर इसको मैं मारा तो आपको लाइक करना पड़ेगा। ये देखो ये बंदा, ये मेरे को 3-3 बार मार चुका है, तो इसको एक बार तो मैंने मार ही दिया। और पता नहीं ये बंदा किधर से आया और मेरे को चाकू मार के चला गया, तो ये बात मेरे ईगो पे आ गई, और इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं था, और ये इसका गर्दन उड़ा दिया, और अपने को मिल गया विक्ट्री। और यहाँ पे अपना गेम समाप्त या ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक TDM मैच भी बचा है, उसको भी देख के जाओ। और इस बंदे को मैं कैसे मारा वो भी ज़रा देख लो स्लो मोशन में, पता नहीं है स्लो मोशन किस लिए दिया है, लेकिन देख लो। और ये आ गए हम TDM मैच में, और इसमें मेरे पास है द डेडलीस्ट गन ऑफ COD, द चॉपर, जिसको हम प्यार से M249 भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये पबजी का M249 की तरह दिखता है। लेकिन इसका एक और ख़ास बात है कि ये UG से भी तेज चलता है, और इतने डैमेज के साथ UG से भी तेज चलना एनिमीज के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, और ये बात पूरे मैच में दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे इस बंदे को देखो, इस बंदे को समय ही नहीं मिला, और इसको पता भी नहीं चला कि ये कब मर गया। और इस बंदे को भी देखो, इसको भी पता नहीं चला कि गोली कहाँ से चल रहा है, लेकिन ये मर चुका है। और इसको देखो, ये भाई साहब पता नहीं क्या सोच के मेरे पास आए थे और मर गए, वो भी चक्कू से।
और यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे मर गया। प्रोबेबली इसका आंसर है कि आई एम नूब, इसीलिए मैं मर गया, क्योंकि मैं चूतिया हूँ और मेरा दिमाग भी चूतिया है, इसीलिए मैं मर गया इधर। और जब तक मैं अपना बदला ले पाता, उतने देर में मेरे टीममेट ने इसको मार दिया था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे। और मेरे को खुशी हो रहा था कि ये बंदा कैसे भी करके मरा, और मैं अभी इसको मारने आया तो पता नहीं मेरा टीममेट मरते हुए भी कैसे इसको 50 डैमेज देके गया और मेरे को वो किल नहीं मिला, पता नहीं कैसे, लेकिन नहीं मिला मेरे को किल। और उसके लिए मैं दूसरा किल ढूंढ रहा था और इसको मैं कैसे भी करके मार दिया। और इस गन का एक बुरी चीज़ ये है कि ये बहुत तेज़ी से रिलोड पे चला जाता है, और मेरे को नहीं पसंद कि कोई मेरे पास आ जाए और मैं रिलोड पे चला जाऊं और मैं उसको मार ना पाऊं, जैसे कि यहाँ पे हुआ मेरा किल चोरी करते हुए। और ये जो बंदा या बंदी या जो भी है, इसको अच्छे से याद रखना, और ये अभी मेरे को मारेगा और मैं इसको कैसे मारूंगा वो देखना। ये अभी तीन बंदों ने मिलके मेरे को अकेले को मारा, ठीक है, ओके, मान लिया कि तुम तीन बंदे थे और मेरे को मार दिए, लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं था तुम लोग को। ये देखो, एक बंदा गया, दूसरा बंदा गया, तीसरा बंदा गया, अभी और बाकी है, अभी और मार खाएंगे ये लोग, और मार खाएंगे। ये देखो फिर से ये गया, और मैं यहाँ पे फिर से अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा था जो कि मेरे पास था नहीं, और मैं उधर फिर से मर गया। और अभी मेरे को दिमाग में गुस्सा चढ़ गया कि मेरे को कैसे भी करके इन लोग को मारना है, मेरे को नहीं पता लेकिन इन लोग को मारना है। और ये पता नहीं कौन सा स्पेशल गन है जिससे कि बैटरी फेंक के मारा जाता है, और जिस बंदों के भी ऊपर बैटरी लग गया वो बंदा मतलब करंट के बिजली के झटके से मर जाएगा, लेकिन वो लगेगा नहीं तुम्हारा शॉट। और ये बंदे को देखो, ये सांप बन के मार रहा है, और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी ना कभी तो इसको मारूंगा, और वो टाइम अभी आने वाला है। तो देखो, अभी मैंने गन स्विच किया, इस गन को इधर का डीपी बोल सकते हो, लेकिन इसमें 100 गोलियां आती है और ये भरता रहेगा जब तक वो एनिमीज को पूरा चकना चूर नहीं कर देता। और ये देखो, मैंने जैसे कि बोला था, याद रखना इन तीन बंदों को, मैं कभी ना कभी इन तीन बंदों को पूरा ख़त्म करके रहूँगा, और मैंने वो कर दिया। और अभी सिर्फ एक बंदे को मारना था, तो मैं ढूंढ रहा था उसको, लेकिन मेरे टीममेट ने उसको मार दिया और हमको मिल गया विक्ट्री। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, पीस ओवर एंड आउट माय फ्रेंड्स। और मेरा टीममेट हैकर था क्या, ऐसा लगा मेरे को, सॉरी, वो MVP नहीं बना तो हैकर नहीं होगा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।